आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आरपीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज किस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, बिहार दारोगा बहाली को लेकर जो मुख्यमंत्री सचिवालय के पास जो लेटर दिया गया था 13 फरवरी 2020 को, उसके तत्पश्चात सरकार की ओर से 72 घंटे का अल्टीमेट जो है समय दिया गया था। अभी जो है आज आप लोग को बता दें 16 फरवरी को जो है 12 बजे तक जो आप लोग का 72 घंटा समाप्त हो चुका है। तो उसके तत्पश्चात सरकार की तरफ से कोई भी न्यूज़ अपडेट नोटिस नहीं मिला है। तो आगे क्या होगा इसकी विस्तार से जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को हर एक जानकारी आगे का यहाँ पे पता चले। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप लोग को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक अपडेट देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें, यहाँ पे देख पाएंगे जो भी जो है मित्र दरभंगा में है, वे जो है आज 12 बजे है दोनार चौक हनुमान मंदिर के पास आए, प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है धांधली नहीं सहेंगे। तो सभी लोग जो है आज 12 बजे जो है दोनार चौक में मिल के वहाँ से जो है धांधली के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे हैं। ये बात आ रही है दरभंगा ज़िले की। अब आगे की अपडेट की ओर चलेंगे। दूसरी अपडेट में जानकारी इस प्रकार मिल रही है कि बिहार में किसी भी जो है एक प्रतियोगिता परीक्षा का जो है नाम बताइए जो कि पूरी तरह से जो है नीट और क्लीन हुआ हो। नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी, और आप लोग भी अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात करेंगे यहाँ पे अगले अपडेट की, देख पाएंगे हम बिहारी जो है प्रतिभा बचाने के लिए निकले हैं, आओ बिहार के साथ चलो, 19 फरवरी पटना चलो। तो देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे 19 फरवरी एक बार फिर से जो है पटना में आप लोग का यहाँ पे होने वाली है विशाल जो है धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से। तो चलिए आगे की अपडेट जान लेते हैं। तो आगे की अपडेट देख पाएंगे, प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली के विरोध में बिहार में एक नई क्रांति जो है छिड़ गई है, इस क्रांति को जो है जारी रखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए अब आगे की अपडेट जानते हैं। अब ना आए एक भी अभ्यर्थियों पर आज हम करवा रहेंगे CBI जांच। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है दिलीप सर की ओर से हुंकार है, आवाज़ उनकी है, अब ना आए एक भी अभ्यर्थी पर आज हम करवा रहेंगे CBI जांच। तो आप लोग भी जो है सभी लोग साथ दीजिए, आगे जो है सभी कुछ सही होगा। तो कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे अपडेट है। अभी जो है अभी भी समय है कि 72 घंटे से पहले कुछ बोलिए, नहीं तो नीतीश कुमार जी, नहीं तो 19 फरवरी को महासंग्राम। तो देख पाएंगे यहाँ पे, अब तो टाइम यहाँ पे जो है बीत चुका है जो टाइम दिया गया था। अब आगे की अपडेट जानेंगे। तो बड़ी अपडेट को जिस प्रकार से आप लोग देख पाएंगे, छात्र छात्राओं से प्रतिपूर्ण जो है तरह से संविदाहीन हो गई है नीतीश सरकार। तो 19 फरवरी को जो है पटना साइंस कॉलेज गेट में जो है फिर होगा आंदोलन। देख पाएंगे जोरदार से यहाँ पे आंदोलन एक बार फिर से होना है और आप सभी को फिर से आना है। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट है कि नीतीश सरकार की जो है तानाशाही के खिलाफ 19 फरवरी को पटना साइंस कॉलेज गेट पर आइए। जय युवा, जय बिहार, जय हिंद। लास्ट में आप लोगों को बताना चाहेंगे CBI जांच को लेकर जो है, CBI जांच की मांग को लेकर 19 फरवरी को 10 बजे पटना साइंस कॉलेज गेट पर जो है आइए। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप लोग कॉन्टैक्ट करके जो है संपर्क भी कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है वही लोग कॉल करेंगे, क्योंकि एक दिन में उनके पास लगभग 500 से 600 कॉल जा रहे हैं तो परेशान है। तो आप लोग भी जो है कॉल कीजिए, जिनको ज़्यादा सख्त ज़रूरत है वो ठीक है। तो अब आप लोग को बताना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर दरोगा परीक्षा में जो है धांधली और पर्चा लीक की जो है CBI जांच एवं जो है परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 19 फरवरी को पटना में जो है फिर से महासंग्राम होने वाली है। साथ ही साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षा के यहाँ पे जो है मुद्दा उठाया जाएगा। तो आप लोग से अनुरोध है, आप लोग जो है एक बार फिर से तैयार हो जाइए 19 फरवरी को पटना साइंस कॉलेज गेट में सुबह 10 बजे ठीक है महासंग्राम होगी। ये थी आज की बड़ी अपडेट। आगे की प्लान और आगे की जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे की अपडेट आप लोग को पल पल की मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।